बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है मैंने वो थोड़ा सा जो है एक गेस्ट वगैरह भी आए थे और उसके अलावा जो है ये खाने वगैरह से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जी हमारे गेस्ट आए थे बौलपुर से और मेरे कज़न हैं बहुत ही प्यारे और उनकी फैमिली जो है वो बौलपुर में रहती है, खुद वो बाहर रहते हैं। पिछले हफ्ते जिनके यहाँ दावत पे हम गए थे वही आए थे, तो उनके लिए बस फ्रेशमेंट कर ली थी क्योंकि वो जल्दी में थे और बस थोड़ी देर के लिए आए थे। तो ये उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया था, थोड़ा सा फ्रेशमेंट कर ली थी। चाय बना ली थी हमने जल्दी में और क्योंकि वो जल्दी में थे और उन्हें वापस भी जाना था, बच्चे भी छोटे छोटे साथ थे और सर्दी का टाइम आपको पता है कि सर्दियों के दिनों में दिन छोटे होते हैं, तो फिर वो बस बताए बगैर ही आ गए थे इसलिए खाने का अरेंज नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि भी आप तकल्लुफात में पड़ जाती हैं इसलिए हमने जो है खाने का जो है आपको बताया ही नहीं और हम अचानक ही सरप्राइज़ भी दिया है आपको और थोड़ी देर के लिए आपसे मिलने आए, तो ये वापस भी जा रहे थे। बस ये एक घंटा डेढ़ बैठे हैं, इस दौरान जो है हमने बस खूब सारी बातें की और फिर वो जो है फैमिली को लेकर रवाना हो गए। उसके बाद मैंने आज अपॉइंटमेंट ली हुई थी पार्लर से और मुझे पार्लर लाजमी जाना था। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हर मंथ ही लेडीज जो हैं वो पार्लर लाजमी जाती हैं फेशियल वगैरह के लिए, तो वहाँ पे भी ये पेट्रोल पंप पे रुक गए थे हम थोड़ी देर के लिए पेट्रोल डलवाने। मियाँ जी के साथ मैं बैठ के फिर वहाँ पे गई हूँ क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए फिर वो मुझे छोड़ के आए कि जब टाइम लेना हो लिया हो, तो फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन का टाइम ज़रा मुश्किल से ही मिलता है, फिर उसी दिन ही मुझे जाना था और थोड़ा सा लेट हो गई थी लेकिन फिर मैं फिर भी असर की नमाज़ पढ़ के मैं चली गई थी। ये शाम का ही व्यू था और सूरज वगैरह थोड़ा सा ढलने को होता है सूरज जैसे असर के टाइम, तो ये शाम का ही मंज़र है एक किस्म का। तो यहाँ पे ये रोड बन रही थी और यहाँ पे काफ़ी डस्ट वगैरह थी, तो बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे व्लॉग बना लिया था क्योंकि कैमरे पे सारी डस्ट आ रही थी और मेरा हाथ भी ओपन था, तो फिर वो बस थोड़ी सी बनाई है। रास्ता सही ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। ये अभी रोड बन रही है, यहाँ पे देखें ये सन कितना प्यारा लग रहा था, क्यों कैमरे की आंख से तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन वैसे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जी फाटक बंद हो गया था, यहाँ पे ट्रेन ने गुजरना था और ये देखें कि कितना रश लग जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़कर मुझे इस बात पे हैरानगी थी कि वो दूर से आप देखेंगे नज़र आ रही हैं खवातीन और जेंट्स के वो आराम से घूम रहे थे, हालाँकि दोनों तरफ से ये जो है ना जब बंद हो तो ख़तरा बढ़ जाता है, लेकिन आवाम को ये अकल की कौन दे कि जब बड़े ऐसे करेंगे तो फिर बच्चे भी लाजमी ऐसे करेंगे। तो वहाँ से मैं ये सारा मंजर देख के हैरान हो रही थी कि हमारी पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया है। आए दिन हादसा होते हैं और अल्लाह माफ़ करे बहुत बुरे हादसा होते हैं, उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते और ऐसे ही है कि 10-15 मिनट भी वेट नहीं कर सकते और इस 10-15 मिनट में सिर्फ 2 ट्रेनें गुजरी थी, तो उसके बाद जो है ना काफ़ी लोग वहाँ से गुजर फाटक बंद होने के बावजूद भी गुजर रहे थे। ये नहीं कि चले वो थोड़ा सा वेट कर लें और अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, होते भी रहते हैं उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आते।
होगा या जब कटे क्रॉस हों तो फिर आमने सामने तो तकरीबन 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। फाइनली हम पहुँच गए थे बॉलर और यहाँ पे मियाँ जी मुझे छोड़ के जो है चले गए। उसके बाद जो है मुझे तकरीबन 2-3 घंटे यहाँ पे लग ही जाते हैं। शाम को मैंने कहा कि मैं फ़ोन करके आपको बुला लूँगी या मैं चिंचिस के ज़रिए वापस आ जाऊँगी। यहाँ पे वेट हो रहा है, उसके बाद उन्होंने मज़े की चाय पिलाई। फ्रेंड्स हैं मेरी और मेरी सिस्टर ही हैं, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार का रिश्ता भी है। उसके अलावा बहन भी बनी हुई हैं, ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये कस्टमर आई हुई थी, इनका ये मुझे फूल बहुत ही अच्छा लगा, तो ये मैंने थोड़ी सी उसकी वीडियो वगैरह बना ली। उनके हाथ पर मेहंदी वगैरह भी लगी हुई थी जो कि अच्छी लग रही थी। काफ़ी वेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुक्र है कि आज इतना वेट नहीं करना पड़ा। और मुझे जो है ना अपना जल्दी जल्दी जो है मैंने जो काम करवाना था, फेशियल वगैरह ये वो सब कुछ करवा लिया जल्दी से। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी के चक्कर में 2 घंटे दो मस्ट हैं, कहीं भी नहीं गए। और ये जल्दी में होते हैं। अभी आज का व्लॉग बस छोटू सा ही था। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए जो देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर दें, और पुराने देखने वाले हैं लाइक कमेंट और शेयर कर दें प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।